अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और पिछले जो कमेंट्स आप लोगों ने किए रिपोर्ट पे बहुत अच्छे थे। इसी तरह अपने टैलेंट को पहचाने, अपने टैलेंट के लिए कमेंट्स करते रहें ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी जाग रहे हैं। इस वक्त भी एक टैलेंट के साथ मौजूद हूँ और वो टैलेंट क्या है आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बता दूँ उनके बारे में कि वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया, एक ऐसी दीवार बनाई जो कि दुनिया में नहीं है और दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे अलग, एक सबसे बड़ी ट्रक आर्ट की दीवार बनाई है। तो वो कौन है आपको मिलवाते हैं। जी सलाम अलैकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली सलमान आंजन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब जो हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं इस बात को। इन्होंने चकवाल के अंदर, पाकिस्तान में ही रहकर चकवाल के अंदर एक ऐसी दीवार बनाई जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है और वो दीवार इन्होंने पूरी पेंट की अपनी टीम के साथ। लेकिन वो दीवार कितनी बड़ी है, उस दीवार के पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम अली सलमान अंचन, मैं फाउंडर क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ फूलपत्ती प्रोजेक्ट का। और फूलपत्ती पूरी दुनिया में ट्रक आर्ट की प्रमोशन का एक बहुत बड़ा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चकवाल वाला प्रोजेक्ट था, बेसिकली डी सी चकवाल एंड कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम साहब, इनका इनिशिएटिव था, इनकी सरपरस्ती में इन्होंने हमें टास्क दिया कि दीवार बनानी है। तो हमारी चार रुकनी टीम जिसमें मुमताज साहब, अमीन और शकील साहब जो थे, वो हम कराची से रवाना हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो दीवार बना दी। अच्छा, बाकी मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी जो तीन और आर्टिस्ट हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त उसमें हाथ भी और उनका हमेशा अपनी कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करते हैं। नहीं, ये इनकी खासियत भी है। नहीं है, बाकी एक टीम एफर्ट है। बेसिकली हर बंदे का अपना अपना रोल था, उन्होंने हम सब ने मिल के जो था हमने टास्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। और जैसे आप आई हैं इस तरह, बहुत से लोगों का कॉन्टैक्ट आ रहा है, कम से कम मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक ट्विटर पर और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा दुनिया में हमने बेतहाशा काम किया, हमने ट्राम बनाई है जी सोफिया के अंदर, बस बनाई है अमेरिका के अंदर, और उसके अलावा भी बहुत सारी बसें बनाई हैं दुनिया भर में, कारें बनाई हैं, मुख्तलिफ म्यूज़ियम के साथ, आर्ट गैलरीज के साथ काम किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी, खासकर जर्मन कम्युनिटी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, हमने जर्मनी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर काम किया। इसी तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी से हमने काफ़ी डिज़ाइन किए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है वो इज्जत दे रहा है। और हमारा मकसद यही था कि हम अपने पाकिस्तान का नाम सही तरीके से रोशन करें, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में जो है थोड़ा सा, खासकर इंटरनेशनल मीडिया में हम बड़े अजीब नज़रों से देखे जाते हैं। तो हमारा कोशिश है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारे कितने कलरफुल हैं, हमारे रंग कितने खूबसूरत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी सी कोशिश है हम जो कर रहे हैं ताकि दुनिया को बता सकें। और काफ़ी हद तक हम कामयाब तो नहीं कह सकते, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का काम कोशिश करना है। क्या बात है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये सुना था, आज देख भी रहे हैं। अली भाई, एक चीज़ थोड़ी सी मुझे इसमें टिपिकल लगती है, हम कोई भी आर्ट करें, सिंपल आर्ट करते हैं तो उसमें भी हमें कलर की कॉम्बिनेशन में बड़ा मसला होता है। अगर वो अच्छे कलर नहीं हो तो वो अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन ट्रक आर्ट जो है वो वैसे ही इतना मुश्किल, फिर इतनी बड़ी दीवार को कवर करने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई होंगी, वो तो मतलब हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं वो क्या मुश्किलात। देखिए, जब आपने चीज़ करनी होगी तो फिर मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, मगर ये जब आप एक स्टेप ले लें तो फिर जब आप एक स्टेप किसी काम का इरादा कर लें तो फिर आप अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है और आप वो चीज़ हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बड़ी मुश्किलात ये थी। सबसे बड़ी बात थी कि दीवार की हाइट बहुत ऊंची थी और इतनी चीज़ें, इतनी घोड़ी या उसका स्टूल अरेंज करना भी एक मुश्किल था। तो हमने 10 फीट का हमें स्टूल अरेंज हुआ, फिर हमने 10 फीट पे से 4 फीट का और उसके अंदर लगाया तो हमने इसको 14 फीट किया। अब 14 फीट करने के बाद अब 6 बंदे, नॉर्मली 6 फीट की हाइट होती है, तो उस हिसाब से हमारा हाथ उधर पहुँचा। तो फिर वो कह लें आप उसको, फिर हमने मूव किया तो हमने उसको टुकड़ों के अंदर दीवार बनाया ताकि हम पहले बार ऊपर वाला स्टूल उतार सके। तो हमने पहले वो बॉर्डर बना लिए, तकरीबन 3-3.5 फीट के बॉर्डर थे, ताकि हमारे बॉर्डर बनने के बाद वो हमने ऊपर वाला स्टूल उतारा तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसानी होगी। हमने इसको पैचेस यानी पीसेस के अंदर बनाया और वो पूरा पीस हम कंप्लीट करके निकलते थे, मगर उसके लिए मुश्किल ये होता है कि आप इतना बड़ा पीस बनाए तो फिर बैलेंसिंग, अगर आप ये देखें दीवार पूरी हर तरफ से बैलेंस है तो वो बैलेंसिंग करना सबसे बड़ा इशू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने बैलेंसिंग भी बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि हम उसको बार बार पीछे जाके देखते थे। तो एक बंदा, यानी मैं पीछे खड़ा होता था तो ड्राइंग हो रही होती थी, मैं आगे आ रहा था तो दूसरे वाले पीछे हो रहे थे, तो हमारा हाथों से इशारा हो रहा था कि हम ये वाला बैलेंस हो गया वाला पार्ट, ये वाला बैलेंस हो गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें हमने कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट को किया, क्योंकि वो हमारे नेशनल आइकन है, फाउंडर है पाकिस्तान है, थिंकर है पाकिस्तान है, तो वो हमने पोर्ट्रेट किया। फिर चकवाल की सारी चीज़ों को हमने पोर्ट्रेट किया, तो चकवाल के लोगों को भी बड़ा पसंद आया। और आप जैसे बोल रही हैं कि मैसेजेज आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं और आप आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ देखी जा रही है, पसंद की जा रही है।
तो ये लगा वही वही बात कहते हैं कि इंसान की तो कोई औकात नहीं हुई। अगर हम कहें कि ये चकवाल की एक नई पहचान है तो बिल्कुल गलत। बिल्कुल सही बात है। अब ये इंशाल्लाह एक लैंडमार्क बनेगा चकवाल के अंदर। चकवाल क्योंकि शहर एक छोटा सा शहर है और चकवाल एक और शहरों की वजह से बड़ा मशहूर है, वो फौजियों का शहर है क्योंकि सबसे ज़्यादा फौजी जो हैं वो चकवाल के हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर लिखा पाक फौज को सलाम, क्योंकि वहाँ पर 70% जो हैं जो चकवालियंस हैं वो उनका ताल्लुक फौज पाकिस्तान फौज से, और अभी जो DGISI है मेरे ख्याल से उनका ताल्लुक भी चकवाल से। तो बड़े जगह से लेके सिपाही तक चकवाल ने प्रोड्यूस किए। सच में सलाम है हमारे टैलेंट को। लेकिन अली भाई की खासियत एक ये भी है कि उन्होंने बताया कि हम बाहर गए, हमने ट्राम बनाए, ये बनाए, उन्हें बहुत सारे टाइटल्स जो कि बाहर के हैं, जो कि हम अगर जैसे उन्होंने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तानियों को सही नहीं लिया जाता, और ये सच है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें वैसे नहीं लिया जाता जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को लिया जाता है, तो वो सही चीज़ जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इस वक्त उन्हें बहुत सारे टाइटल्स मिले, उनके बारे में ज़रा जानते हैं कि वो टाइटल्स कैसे मिले, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं बस मैं कर रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है वो मैं करता हूँ और अपने मुल्क के लिए करता हूँ। तो सादा सा आदमी है, ज़रा मालूम करते हैं कि इतने टाइटल्स कौन कौन से टाइटल्स अपने नाम किया। आपने बात की ना कि पहचान लेके दुनिया में आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हम गए अल्लाह ताला ने उन्होंने भी बहुत इज्जत दी और हमने उनको पाकिस्तान का नया रुख दिखाया, क्योंकि हम एक एम्बेसडर हैं। आप जब जाती हैं किसी मुल्क में से बाहर तो आप एम्बेसडर होती हैं, आपके आप जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को उस तरह आपका मुल्क प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास पाकिस्तान के कलर थे, इंडियन ट्रक आर्ट था, तो हमने उसको पाकिस्तान को उस तरह प्रेजेंट किया। और कितनी दफ़ा जब हमने काम किया तो लोग आते थे, जब हमसे मिलके जाते थे, फिर अगले दिन पूछ के हमारे से मालूम लेके जाते थे, फिर अगले दिन जब फिर मिलते थे तो बोला हमने पाकिस्तान के बारे में देखा और तुम्हें बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, टूरिज़्म है। क्योंकि आप अगर आप जाते हैं ना सिर्फ अपने ट्रक आर्ट के हवाले से नहीं जाते, तो फिर आपको बताना पड़ता है पाकिस्तान के बारे में क्या है। लोग टूरिज़्म के बारे में बात करते हैं, पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, दरियाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम बताते थे पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और कितने लोग उसके बाद मुझे बाद में मिले, हम मिला उनको, मैंने पार्टियाँ भी दी, पाकिस्तान भी आए, तो वो पाकिस्तान के टूरिज़्म के लिए भी काम है ना। हम पाकिस्तान की में उस ज़माने में हम कैसे पोर्ट्रे करते हैं उस ज़माने में, अभी तो बड़ा माशाल्लाह से अमन अमान है, मगर उस ज़माने में हम जाते थे तो बड़ी दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर। उस ज़माने में हम बताते हैं पाकिस्तान कैसा है, तो पाकिस्तान फिर लोग आते थे, फिर तो बड़ा खुशी। ये भी आपका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक आपके टाइटल्स की बात है, तो यूनेस्को ने हमें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरी इंडस्ट्री को फ्लॉरिश किया है, बढ़ाया है और अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ाया है। इसके अलावा पीस एम्बेसडर का आप ये देखें, ये एम्बेसडर पीस एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिला, फिर स्विस के अंदर, जर्मन के अंदर, और जितनी काउंसलेट्स हैं अमेरिका की भी हमें सर्टिफिकेट्स मिले हैं जो हमने काम किए दुनिया भर में। ये तो बहुत कम लगे हैं, बाकी मेरी पूरी फाइल है जिसके अंदर हम दुनिया भर के सर्टिफिकेट है, पर पाकिस्तानी एम्बेसीज और जो जो हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जहाँ जहाँ किए, म्यूज़ियम के साथ काम किए तो उनके अप्रिसिएशन लेटर्स वो मिले हैं। फिर हमने पाकिस्तान के अंदर US काउंसलेट की एक दीवार बनाई थी 4-5 साल पहले, तो US एम्बेसडर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी हमें मेरे घर पे खत भेजा कि आपकी दीवार बड़ी खूबसूरत थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप काम करते हैं तो खुद ब खुद ही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, मिलनी शुरू हो जाती हैं। मकसद ये है कि आपकी मोटिवेशन, आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपने कुछ करना है, और हर चीज़ हम गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं, यार ये गवर्नमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी, ये चीज़ कि हम गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं। क्या हमें अपने घर में कुछ चेंज करना, तो हम ये कहते हैं कि हुकूमत आके कर दे, हम खुद कोशिश करते हैं उसको चेंज करने की। हमें अपने ड्रेसिंग में अगर कोई चेंज लाना है या कोई डिज़ाइन डलवाना है तो उसे हम खुद चेंज करते हैं। तो हम अपने मुल्क को ये क्यों नहीं समझते कि वो हमारा घर है और हमें उसे चेंज करना है, उसकी इमेज को चेंज करना है, लोगों को पोर्ट्रे ये करवाना है कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अली भाई एक लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, कि आपने इतना काम किया, आने वाले दिनों में क्या आपके काम होंगे नए जो हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोविड के सब रुके हैं, अभी बहुत से प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग में हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पेंडिंग में, जो हमने पूरी पूरी सिटीज़ को बनाना है वो प्रोजेक्ट हमारे पास, पर वो कोविड के रुके हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में भी जाके पढ़ाते हैं या वर्कशॉप देते हैं, तो वो भी कुछ है पेंडिंग में। तो बस ये कुछ रुके हुए, मगर पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कराची के अंदर ब्रिजेस बनाए थे जिसमें हमने पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रेट किया था, ये KMC का प्रोजेक्ट था, और हमें उनके साथ भी कंटिन्यू करना है। अभी ये चकवाल वाला प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू करना है। फिर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि WWF के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अब हम WWF पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में इंडिजीनियस जानवर्स हैं जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस कम्पेन भी हम उनके साथ करेंगे। तो यही वाली बात है कि ये आइडिया ऐसा है कि हमने इसको मुख्तलिफ जगह पर पिच किया, अब मुख्तलिफ एम्बेसी के भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक मैसेज दे दूँ, अगर ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया, तो क्योंकि दीवार पर हमने पेंट कर दिया या किसी भी आर्टिस्ट ने पेंट कर दिया और कोई भी आर्ट फॉर्म पेंट हुआ है, तो खुदा के वास्ते उस पर पान गुटका या कोई इश्तहारात ना लगाएं। ये किसी की भी मेहनत, किसने भी मेहनत की है, किसी भी आर्टिस्ट ने मेहनत की है, तो उसकी मेहनत को ज़ाया ना करें। एक तो एक चीज़ आपके जब कोई भी बाहर से आता है तो आपकी दीवारें कलर हुई हैं, रंगीन हुई, उनको अच्छा लग रहा है,
मगर वो आपने कोई पान की पीप मार दी या कोई सरकारी कहना कोई सियासी और गैर सियासी या मजहबी नारा लग दिया तो उससे वो दीवार की खूबसूरती भी ख़राब हो गई और आपका शहर का इंप्रेशन भी ख़राब हो गया। शहर कोई भी हो, किसी शहर के आर्टिस्ट ने काम किया हो, किसी ने भी काम किया हो, तो खुदा रहा उसकी दीवारों को, अपनी दीवारों को, अपने घर की दीवार समझे, अपनी रोड की दीवारों को, और ज़ाया ना करें उसको। और ये इस्लाम भी कहता है, इस्लाम भी यही कहता है कि भाई किसी भी चीज़ को आप ख़राब ना करें। तो वैसे भी सफाई भी नफ़्स ईमान है, और अपने इर्द गिर्द का जो कचरा है वो कम से कम साफ़ करें। ये छोटा सा मेरा मैसेज है, कम से कम दीवारें साफ़ करके। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम के एंड से पहले मैं ये कहूँगी कि अली सलमान आंचल जैसा अगर टैलेंट होना तो हमारे मुल्क को किसी की ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई टैलेंट आए, हम हमेशा कुछ भी अच्छा देखने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो टैलेंट के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी टूरिज़्म के हवाले से हो, हमारी आंखें बाहर के मुल्कों पर होती हैं। अगर हम, जैसे उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क को अच्छे से पोट्री करें बाहर जाके, हम बताएं, हम अपने मुल्क को अपने लफ्ज़ों में समझाएं लोगों को, तो लोग यहाँ आएंगे। टूरिज़्म बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो अच्छा दिखाएं, क्योंकि बहुत बेहतरी आ चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। एक अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने इसको एंड करने की कोशिश की कि वाकई में एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है दीवार पे पेंट करना। आप कभी अपने घर में सिर्फ एक स्केच बनाने की कोशिश करें, रंग करने के लिए नहीं कह रही, उसके लिए आपको बड़ी मुश्किल होगी। आप सिर्फ सोचने बैठेंगे ना कि हमें क्या बनाना है, उसमें भी एक घंटा लगेगा। तो एक आर्टिस्ट पूरा टाइम लगाता है अपने घर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के एक दीवार बना रहता है, और उस पर हम देख रहे होते हैं दो दिन के बाद ही कोई ना कोई गंदगी हो रही होती है। तो प्लीज़ ये ना करें, एक आर्टिस्ट की कदर करें, क्योंकि आप अपने आर्टिस्ट की कदर करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो बाहर अच्छा रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि बाहर के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और ये आर्ट बाहर तक गया इसलिए क्योंकि वो यहाँ खूबसूरत लगा। तो अपने मुल्क को खूबसूरत दिखाएं। एक और टैलेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इसी दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। फी अमानल्लाह।